गुड मॉर्निंग ऑगी, गुड मॉर्निंग बेटू। उठ गया मेरा बच्चा, ठंडी हो गई है ना प्यारा सा बेटू। टमी पे सहला दूं? से लेट जाता है ये पगलू। ए पगलू, चल उठ जा यहाँ। अच्छा ऐसे नहीं लेटते, अंदर चल अपने बेड पे लेट चल। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। अभी अभी नींद खुली, थोड़ा लेट हो गया है, कोई बात नहीं, सर्दी का टाइम है। फिर से अपना भी पुराना टाइमिंग एक्वायर करने में एक दो दिन लगेगा, क्योंकि सर्दी का दिन है ना भाई, आलस आता है सर्दी में। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि जल्दी से ब्लैक कॉफी बनाता हूँ और एडिटिंग करने टेबल पे बैठता हूँ। मैं अपनी कॉफी लेके आ गया हूँ एडिटिंग टेबल पे। अब एडिट करेंगे पिछले व्लॉग को। ऑगी मेरी गोद में आ गया है, सर्दी का मौसम है तो इसको भी लगता है कि पास में चिपक के बैठे रहे, पैर के पास या कहीं पर भी। हाँ 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 हाँ, चलो मैं काम करता हूँ फिर। A few moments later. तो भाई एडिटिंग जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, रेंडर चल रहा है वीडियो का, थोड़ी देर में रेंडर हो जाएगा, इसे अपलोडिंग पे लगा देंगे। मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जल्दी से नहाने जाता हूँ वरना ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। आज ऑगी को टहलाने ले जा पाए टेरेस पे। अब एक दो दिन थोड़ा सा ना साइकिल को रेगुलर होने में, दिनचर्या को रेगुलर होने में समय लगेगा, एक दो दिन का समय तो लगेगा। आज सुबह सुबह उठने में भी बड़ी आफत आ रही थी, नींद सी आ रही थी। ये छुट्टी में इतना आलस कर लिया ना घर पे जा करके, कोई नहीं दो तीन दिन में सब कुछ रेगुलर हो जाएगा। भैया ब्रेकफास्ट में आज है सैंडविचेस एंड मिल्क। 9:05 हो गए हैं, जल्दी से ब्रेकफास्ट करता हूँ और ऑफिस के लिए निकलता हूँ। शाम को पॉसिबली आज ऑगी को लेके जाएंगे उसके सेकंड वैक्सीनेशन के लिए। होपफुली इसका टेम्परेचर वगैरह नॉर्मल हो, वरना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो लौट के आएंगे ऑफिस से तो इसका टेम्परेचर चेक करेंगे, फिर इसको लेके जाएंगे वैक्सीनेशन के लिए। अभी मैं जल्दी से ब्रेकफास्ट करके ऑफिस के लिए निकलता हूँ। लंच भी रेडी हो गया, क्या बात है, थैंक यू सो मच शिल्पी। वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं ऑफिस से वापस आ गया, अभी नहाया नहीं हूँ, ऑफिस के कपड़ों में हूँ। ऑगी और मैं अभी थोड़ी देर खेल रहे थे, राइट ऑगी? हाँ, अरे अरे अरे, फिर से खेलना है बेटू को, हाँ फिर से खेलना है। ला ला ला, इसे पेट पकड़ के ना इसे गुदगुदी कर दे ढेर सारी। चलो आ जाओ ऑगी, आओ कम ऑन, आओ कम ऑन। अब ऑगी को सोच रहा हूँ मैं ना, इसका ये एंजाइम है, ये पिलाते रहते हैं हम लोग। डॉक्टर ने भी इसको बोला था कि सुबह शाम पिलाना है, थोड़ा सा हम लोग लापरवाह हो गए थे। लेकिन अभी इधर भी दिवाली के बाद से, जब से आए हैं दो दिन से, लगातार पिला रहे हैं। सोच रहा हूँ इसको पिला देता हूँ एक बार, हाफ हाफ एमएल पिलानी है, एक बार सुबह एक बार शाम, हाफ एमएल बस। तो मैंने सिरिंज भर ली है, अब ऑगी को देते हैं। ऑगी चलो मुँह खोलो, खोल दो, नहीं देखो कैसे मना करता है। अच्छा मैं पकड़ना नहीं चाहता तुम्हें, तुम यहीं खोल दो ऑगी, चलो खोल दो, लाइक ए गुड बॉय, यूर गुड बॉय ना होगी। देखो ऐसे नहीं करते यार, ये तो पीना पड़ेगा ना होगी, क्यों भाग रहे हो, ये तो पीना पड़ेगा। अच्छा इधर आ जाता हूँ, चलो पी लो। अरे भाई आओ इधर आ। अच्छा मैं पकड़ के नहीं पिलाना चाहता, तुम खुद से पी लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा होगी। नो डोंट रन अवे यार। फाइनली मुझे इसे पकड़ के टेबल पर बैठाना ही पड़ा, अब ये पिएगा। आ जाओ इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ मेरे पास आओ। होगी मुँह खोलो, ऐसे नहीं करते, चलो You're a good boy, ना? तो एज पर द प्लान अपन निकल आए ऑगी का वैक्सीनेशन कराने के लिए। पहले तो उसके डॉक्टर को कॉल किया, पूछा कि डॉक्टर साहब आज बैठे भी हैं कि नहीं, क्योंकि भाई फेस्टिवल के बाद का टाइम हो सकता है, भाई कोई घूमने वूमने गया हो तो एक्सटेंडेड हॉलीडेज अभी तक मना रहा हो तो अपन जाएं, टाइम वेस्ट हो, डॉक्टर मिले ना, इस वजह से नंबर तो था, मैंने सोचा कि कॉल करके पूछ लेता हूँ। तो आज ऑगी को सेकेंड डोज लगने वाली है, शायद इसके टोटल 6 डोजेज़ हैं, 3-3 हफ्ते के गैप में ऐसा कुछ है, इसकी बुक में लिखा हुआ है सब जो भी है। खैर बार बार इसी डॉक्टर के पास इसलिए लेके आ रहा हूँ ना, क्योंकि द डॉक्टर इज़ वेरी रिलायबल और बहुत जेन्युइन चार्जेस हैं इनके, बहुत अच्छा डायग्नोसिस है। ऑगी एक दो बार जो बीमार भी पड़ा, जो भी दवा दी, बहुत कारगर साबित हुई। बस अब अगले 2 मिनट में पहुँच जाएंगे, पास ही हैं ये घर के, बहुत दूर नहीं है। देखो जी आ गए बड़ी जल्दी, और यहाँ देखो कैसे कैसे टॉय पॉम, ओहो दो टॉय पॉम है, नहीं ये छोटा वाला टॉय पॉम है और ये शायद लैब है कि क्या है, जो भी है। खैर वी हैव रीच्ड द स्टोर। हाँ क्या देखोगी, तेरा फ्रेंड है वो, एक अपनी शक्ल देख ले, एक उसकी शक्ल देख ले,
ये तो देखो लड़ने पे ही आता है सबसे, लड़ाकू होगी। बड़ी आवाज निकल रही है। ओके, तो दिस वॉज द शॉप जहाँ पे ऑगी को लेके आते हैं हर बार, स्वीट ब्रीज पेट शॉप। इसका एग्जैक्ट एड्रेस मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दिस शॉप हैज अ कंप्लीट रेंज ऑफ ऑल फूड प्रोडक्ट्स, और यहाँ पे एक वेटनरी डॉक्टर भी बैठते हैं। डॉक्टर साहब की तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जब से फर्स्ट टाइम इनको लेके आया हूँ ऑगी को यहाँ पे, हर बार मैं इधर ही लेके आता हूँ भाई। बहुत जेन्युइन चीज़, बहुत जेन्युइन। तो आप कहीं भी ऐसे वेट वगैरह के पास जाते हो, ऑल यू नीड इज जेन्युइन, जेन्युइन बंदा हो, जेन्युइन डॉक्टर हो, बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई ना हो जाए चीज़ें। सब ये सोचते हैं कि यार चलो पेट पालते हैं, लेकिन सेकेंडरी फिर उनके जब खर्चों की बात आती है और इलाज वगैरह के वैक्सीनेशन की बात आती है, तब थोड़ा सा लोग पीछे हट जाते हैं कि नहीं बहुत खर्चीला है, ये है वो है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता है। अब जैसे कि मैं खुद ही आप लोगों को बताऊँ, आज जो मैंने अभी इनका वैक्सीनेशन कराया, इट्स जस्ट फॉर 600 रुपीज़। वैसे मार्केट में कई ऑप्शन आपको और अवेलेबल हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो लगाते हैं वो जोइटस की वैक्सीन्स वगैरह लगाते हैं, विच इज़ अ वेरी ट्रस्टेबल ब्रांड। तो इसी वजह से मेरे को यहाँ पे स्वीट ब्रीज में आने का बार बार मन करता है कि भाई जो भी चीज़ होती है जेन्युइन होती है, धका पेल वाला कोई काम नहीं है, जेन्युइन चीज़ होती है। तो ऑगी इंजेक्शन लगवाने के बाद मस्त अब आराम कर रहा है, सो रहा है। वहाँ पे उसने बहुत चीखा चिल्लाया, बहुत भौंका दूसरे डॉगीज पे, और एक तो पग के पीछे पड़ गया था, उसको इतना भौंकता रहा बेचारा पग चुपचाप। हाँ, अभी पग को भौंकना सिखा दिया उसने। मैंने तो लाइफ में मतलब पहली बार किसी पग को भौंकते हुए देखा, सीरियसली लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा किसी पग को भौंकते हुए। फिलहाल तो अब ऑगी रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहा है, सो रहा है। थैंक गॉड अभी तक तो उसको कुछ भी ऐसा ट्रॉमेटाइज नहीं हुआ है वो, जैसे कि लास्ट टाइम हो गया था इंजेक्शन लगवाने आने के बाद। एकदम ट्रॉमा में चला गया था कि उसको छू रहे हैं कहीं पे भी तो उसको दर्द हो रहा है, ऐसा नाटक कर रहा था वो। तो अभी फिलहाल तक तो वो सही है, सो रहा है। अभी उसे थोड़ी देर बाद खाना दे देंगे, बेटर फील करेगा। और वो अभी फिलहाल हम अपना खाना पीना खा रहे हैं, डिनर कर रहे हैं। डिनर में शिल्पी आज तुमने क्या बनाया है? दाल मखनी राइस सैलड। सही है जी, मस्त डिनर करेंगे, उसके बाद आराम करेंगे और इस व्लॉग को इधर ही एंड करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो को देखा हो प्लीज तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नए वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो। बाय।